संयुक्त मोर्चा ICDS परियोजना अधिकारी संघ का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन भोपाल में आयोजित हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और महिलाएं उपस्थित हुए। प्रमुख मांगे हैं, उसमें से पहली जो मांग है हमारी ग्रेड पे की है, वो ग्रेड पे हमारा परियोजना अधिकारी का 3648 होना चाहिए। दूसरा, हमारी सुपरवाइजरों की जो ग्रेड पे की मांग है उनकी 2400 है, उनकी 3600 की जाए, ये प्रमुख मांगे हैं। और तीसरा जो प्रमुख मांगे हैं, जो हमारी संविदा पर्यवेक्षक हैं उनको नियमित किया जाए, क्योंकि हमारी संविदा पर्यवेक्षक जो यहाँ है वो व्यापक परीक्षा पास करके आई है, और विभागों में जो होता है व्यापक परीक्षा नहीं होती, उनको ऐसे ही रखा जाता है, लेकिन हमारे विभाग में व्यापक परीक्षा पास करके आई है, इसलिए उनको नियमित किया जाए, ये प्रमुख मांगे हैं। साथ में परियोजना अधिकारियों को ग्रेड पे के साथ साथ DDO आरण समितण का भी अधिकार जो 2016 में समाप्त कर दिया गया उसको दे दिया जाए। हमारी जो सुपरवाइजर बहने हैं 30-30 साल से सुपरवाइजर है, उनका कोई प्रमोशन नहीं हो रहा, वो उनको प्रमोशन किया जाए। तो ये जो हमारी प्रमुख मांगे हैं, ये हम इस मांगों को लेके अड़िग हैं, और आने वाले दिनों में अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो जैसा कि अभी और वक्ता बोल रहे थे कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी साथ लेके आगे क्रियान्वित करेंगे और एक बड़ी आवाज देंगे, तब जाके हमारी मांगों को पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से काम कर रही है, हम लोगों को हमारी निरर्थकता समझ में आ जाती थी कि हमारा काम तो सुपरवाइजर कर लेती है एक्चुअली, क्योंकि वो कहते हैं ना कि नर से कहीं अधिक बड़ी है नारी, एक मात्रा है छोड़ दो, दो मात्राएं है भारी। तो मजबूत तो थी, अब वो चार्ज भी लेकर के सारे काम भी कर रही है, तो हमारी हड़ताल CDPO की निरर्थक। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा हमारे आदरणीय इंद्रभूषण तिवारी भाई साहब को, तिवारी सर को एक बार जोरदार तालियां बजाऊंगा। वो हमारे संगठन में क्या जान लेके आए। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं बस से आ रहा था और कंडक्टर आया मेरे बगल में, पैटर्न सज्जन बोले इनको गोदी में नहीं ली, पूरा किराया लगेगा। बोले भाई ऐसा भी हुआ, तो इस तरह से भी हो जाता है भैया। तो हम लोग शासन प्रशासन के इतना काम किए हैं, पर अब हम लोग अपने काम के लिए भी अडिग रहेंगे, और निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माधुरी सिंह मैडम, कहीं नजर नहीं आ रही, माधुरी सिंह मैडम जो सीढ़ी से जिला अध्यक्ष है, लड़ेंगे अभी क्या है, ये तो टेलर है ना, टेलर जैसे पिक्चर में आते ना, क्या टेलर होता, पिक्चर तो अभी बाकी है, पिक्चर दिखाना पड़ेगा। अगर हमारी मांगों को आपने सार्थक पूर्वक विचार नहीं किया और मांगे नहीं मानी गई, तो अभी तो ये आघात 21 तारीख से शुरुआत की है, अभी तो 5-6 दिन ही हुए हैं, शासन प्रशासन में हलचल हुई है, पर उस गति से नहीं हुई जिस गति से होनी चाहिए। वार्ता के लिए बुलाया गया था, वार्ता सफल नहीं हुई, मुझे मालूम था वार्ता सफल नहीं होगी, अभी तो तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर अब छोड़ेंगे नहीं, हम जुड़ चुके हैं, और जुड़ चुके हैं तो अब टूटेंगे नहीं, और ये जो हमारा गठबंधन है ये निरंतर बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, और हमारी सारी मांगे पूरी होगी। हम लोग जैसे हमको अब देख पा रहे हैं ना, एक सामान्य सूचना है कि भोजन की व्यवस्था हो गई है आप लोग, लेकिन यहाँ बैठे रहे, पीछे से 200 लोगों के लिए ऊपर व्यवस्था है और बगल में व्यवस्था, सब लोग एक क्रम से भोजन करेंगे और वापस आके यहीं पे बैठ जाएंगे, अपना सत्र इसी प्रकार से मतलब जो बातें हैं वो चलती रहेंगी, जिसको ज्यादा धूप लगी है वो वैसे पहले चले जाए, जिनको लगी है वो थोड़ी देर में चले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भूखे भूखे लाहौल वाला, अपन ले कंठी वाला, कहा चलिए बहुत अच्छा है, जिनको ऊपर व्यवस्था है ऊपर चले जाए। इंद्रभूषण तिवारी प्रदेश अध्यक्ष परियोजना अधिकारी संघ, किन मुद्दाओं के लेकर आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं? हम लोग 25 साल की वेतन विसंगति की मांग शासन के समक्ष लंबे थे, शासन द्वारा अभी तक समुचित निराकरण नहीं किया गया है, देश में सबसे कम और राज्यों में सबसे कम, विकास मिनिस्टर में सबसे कम वेतन हम लोगों को मिलता है, कई बार शासन के समक्ष उचित माध्यम से बात रखी गई लेकिन शासन द्वारा कोई निराकरण नहीं किया गया। इस बात को लेकर प्रदेश के सभी परियोजना अधिकारियों में संतोष है और सुपरवाइजरों में भी संतोष है, दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से गठन किया हुआ है और मांग शासन के समक्ष रख रहे हैं। सर, सरकार से आप चर्चा करने का कोई समय ऐसा लिया है जो आज रणनीति तैयार किए आप लोग, क्या हमारा प्रदेश स्तरीय सम्मेलन है तो आज हम लोग प्लानिंग करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे संघ ने मिलने का समय मांगा था लेकिन समय अभी तक निकला नहीं है।
जैसे ही आज की रणनीति तैयार होगी समिति द्वारा, तो उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर अपने हक की लड़ाई लगातार आप लड़ते आ रहे हैं, क्या वजह है सरकार अभी भी नहीं सुन रही? प्रशासन हमारे विभाग को, मतलब हमारे कैडर को, चाहे पर्यवेक्षक को, चाहे परियोजना अधिकारी को गंभीरता से नहीं ले रही, जबकि हम लोग बहुत महत्वपूर्ण योजनाओं को पूरा करते हैं। पोषण अभियान में भी काम अच्छा किया, प्रधानमंत्री मातृ योजना में भी कई बार राज्य को सरकार को पुरस्कार मिले, और लाडली लक्ष्मी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की जो है उसमें भी हम तनबंधन से काम करें, नंबर वन बनाते हैं, फिर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही। संघ में कुल कितने सदस्य होंगे आपके? 4000 सदस्य। आज यहाँ कितने लोग मौजूद हैं? आज 1200 लोग आए हुए हैं। महिलाओं की संख्या कितनी होगी? महिलाओं की संख्या 800 है। आगामी योजना क्या है सर? सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग और प्रबल तरीके से प्रदर्शन करेंगे। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे कोई ज्ञापन वगैरह सौंपने की तैयारी की है क्या? कई बार ज्ञापन दिया है, आज भी दिया जाएगा ज्ञापन। ठीक है, थैंक यू। किन मुद्दाओं को लेकर आप? हम लोगों ने वेतन की संहिताओं को लेके और हमारी पदोन्नति के संबंध में और हमारी संविदा बहन जो है सुपरवाइजर, उनको नियमितीकरण के लिए और हमारे पीए ग्रुप के लिए।